Press the subscribe button and hit the bell icon for more Bollywood updates. रोहित शेट्टी और रणवीर सिंह की फिल्म सिम्बा का ट्रेलर रिलीज किया जा चुका है और फैंस ने एक शब्द में अपना फैसला भी सुना दिया, ब्लॉकबस्टर। रोहित शेट्टी और रणवीर सिंह की फिल्म सिम्बा का ट्रेलर रिलीज किया जा चुका है और फैंस ने एक शब्द में अपना फैसला भी सुना दिया, सिर्फ ब्लॉकबस्टर। हालांकि फैंस को ये ट्रेलर ज़्यादा पसंद नहीं आया, लेकिन फिर भी रोहित शेट्टी की इस फिल्म से अजय देवगन पूरी तरह से जुड़ चुके हैं और इसलिए फैंस को फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार है। ट्रेलर के आखिरी में 10 सेकंड में अजय देवगन की एंट्री हो जाती है और इसलिए फैंस फिल्म को लेकर अपनी उत्सुकता नहीं छिपा पा रहे। ट्विटर पर भी केवल अजय देवगन के ही कैमियो का चर्चा हो रही है। रणवीर सिंह की जहां तुलना अजय देवगन से कई बार की जा रही है, वहीं सारा अली खान का जिक्र भी नहीं हो रहा। सिम्बा की कहानी रोहित शेट्टी ने सिंघम से जोड़ी है, इसलिए ट्रेलर की शुरुआत अजय देवगन की आवाज़ और सिंघम के सीन के साथ होती है। सिंघम बताता है कि एक बच्चा था जो उससे इतना प्रभावित था कि उसे सिंघम ही बनना था और वो बच्चा था संग्राम भालेराव यानी कि सिम्बा। लेकिन जैसे ही कहानी आगे बढ़ती है, दर्शकों की सारी उत्सुकता वहीं ख़त्म हो जाती है और इस औसत से ट्रेलर का एकमात्र खैया लगते हैं अजय देवगन, जिनका कैमियो पूरी तरह फिल्म के लीड किरदार पर ज़्यादा भारी पड़ता दिखाई देने वाला है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से अजय देवगन का कैमियो इस फिल्म के अंदर आपको नज़र आने वाला है। इस फिल्म की कहानी पूरी सिंघम के ऊपर ही बेस्ड है और उसके आगे की कहानी बताई गई है। तो दोस्तों, आपको सिंघम और सिम्बा का ट्रेलर कैसा लगा, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। बाकी की ऐसी और खबर जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड जंक्शन।